जैसे 2 सीटें अवेलेबल, तो मुझे यहीं पर फाइनली मतलब सेंटर चेंज कर लेना है थोड़ा दिल्ली से। भाई तो मैं मेरे फिर पास दोस्तों, आ आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर सीटेड की तरफ से, जैसा कि आपको पता है कि पब्लिक नोटिस जो है वो जारी की गई थी। वो पब्लिक नोटिस क्या है, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप सीटेड के वेबसाइट पे आ जाएंगे, आपको 2-3 काम जरूर कर लेना है। अगर आपने फाइनल सबमिट नहीं किया है, या फिर आप खोल के अपना जो फॉर्म है उसको खोल के आप बैठे होंगे कि हाँ, जैसे ही सीटें कहीं पे अवेलेबल होती है तुरंत हम आप वहाँ पे जाके और लॉक कर देंगे। जैसा कि आपको पता है कि शुरुआत के दिनों में जो है सीटेड, जो अगर थोड़ा बहुत सेंटर्स खाली होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया आगरा वगैरह में सारी जगह पे लगभग सीटें अवेलेबल थी, अगर वहां पे आप लोगों ने फिल किया होगा तो डेफिनेटली आप लोगों ने, आपको लोगों का सेंटर जो है वो चेंज हो गया होगा। दूसरी जो यहाँ पर बात करेंगे इस नोटिस में दोस्तों, यहाँ पर क्या बताया गया, पब्लिक नोटिस जो है यहाँ पर साफ साफ बताया गया, यहाँ पर देख सकते हो लोग कि इसके लिए सीटेड की वेबसाइट पर 29 तारीख से लेकर के 29-30 में ही दोस्तों सीटें बदल के सारी चीजें हो गई हैं। अब यहाँ पे दोस्तों बात आती है कि 2 तक यहाँ पे आपका रहेगा, यानी कल की डेट तक आप शुक्रवार तक जो है इसमें उपलब्ध रहेंगे। इसमें पहले और पहले ही पाओगे आधार पर था, और यहाँ पे आई होप सारी चीजें आप लोगों ने एडिट कर ली होगी, जो भी गलतियां आप लोगों ने की होगी। अब दोस्तों बात आती है यहाँ पर कि आप लोग फाइनल सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपने फाइनल सबमिट नहीं किया है तो फाइनल सबमिट का भी, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि हाँ, जैसे मान लीजिए सिटी उनको नहीं मिला, जैसे यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसे ये तो नोटिस हो गई, ठीक है। सिटी जैसे मान लीजिए सिटी नहीं मिलता, नीचे आप लोग कैंडिडेट एक्टिविटी भी आएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा जुलाई 2023 रिकॉर्डिंग। यहाँ पे दोस्तों आप लोग यहाँ पे क्या करिएगा, इसको सबमिट जैसे आप लोग करिएगा, ठीक है। जैसे ही आप लोग सबमिट करिएगा 09, यहां पे सबमिट करने के बाद चलिए मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। यहां पे आपका जो फॉर्म वगैरह है वो खुल करके आएगा, उसके बाद करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म पे जाएंगे, उसके बाद जो ये आपका फाइनल सबमिट वाला ऑप्शन होता है ना, फाइनल सबमिट, यहां पे फाइनल सबमिट करने का ऑप्शन आता है, बट अभी यहां पे ओटीपी वगैरह मांगेगा तो मैं इसको नहीं खोल रहा हूं, ठीक है। फाइनल सबमिट करने के बाद आप लोग यहाँ पर फाइनल सबमिट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि जैसे कि मेरा फॉर्म जो है एडिट नहीं हुआ है, जैसे आप लोग ये भी सोच सकते हैं कि मेरा फॉर्म जैसे एडिट नहीं हुआ है, जब फॉर्म आपका एडिट नहीं हुआ है तो तब भी आपको फाइनल सबमिट करना पड़ेगा। मान लीजिए कुछ चीजें आप लोगों ने चेंज नहीं की है और यहाँ से ओटीपी वगैरह डाल के लॉग इन कर दिया, तब भी आपको फाइनल सबमिट, जी हाँ दोस्तों, फाइनल सबमिट करना ही करना पड़ेगा। ये चीज आप लोग सोचिए, अगर फाइनल सबमिट नहीं करेंगे तो फॉर्म आपका फिर उतने पे ही रुका रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको पता है कि सेंटर अब चेंज होने वाले नहीं है, बहुत कम ही उम्मीद है दोस्तों, क्योंकि कहीं कहीं पे दिल्ली वगैरह में भले इधर उधर खाली हो, बाकी उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो कहीं पर भी अवेलेबल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने सुधार होने थे वो तो हो ही चुके हैं, ठीक है। जितने सुधार होने थे वो हो चुके हैं। चलिए, जैसा कि मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि जैसे मैंने फॉर्म को फिल किया और यहां पे फाइनल सबमिट करने के बाद मुझे, मतलब यहां पे फाइनल सबमिट आपको जरूर करना पड़ेगा, साइड में दिख रहा है। और यहां पे जैसे मान लीजिए मैंने देखा कि ग्रेटर नोएडा में देख सकते हो आप लोग कि 2 सीटें अभी भी अवेलेबल है, तो जैसे 2 सीटें अवेलेबल तो मुझे यहीं पर फाइनली मतलब सेंटर चेंज कर लेना है थोड़ा दिल्ली से, तो मैं पास आ ही जाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे में करना है उसको कैप्चा फिल करना है, एंड सेव एंड नेक्स्ट पे करना है, देन ओके यहाँ पे करना है, और उसके बाद जो आपका सेंटर है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। वो सेंटर चेंज हो जाएगा, यहाँ से इसको क्लोज करना है, और उसके बाद ये चीजें मोबाइल पे नहीं होंगी। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि वो क्रॉस वाला ऑप्शन मोबाइल में नहीं आता, या तो आप सारी चीजें वहीं पर आप फिल करिएगा तब आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे, नीचे जाएंगे और सारी चीजें यहाँ पे आपको क्या करना है, फाइनल सबमिट यहाँ पे कर देना, यानी फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें जो है इनको यहाँ पे अपना टिक मार्क जो है वो कर देना है। टिक मार्क करने के बाद आई एग्री पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एक रहेगा, उसके बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है और फाइनल सबमिट आपको यहाँ पे कर देना है, ठीक है। कंफर्म फिर पूछेगा कि फाइनल सबमिट आपको करना है करना, तो यहाँ पे मैंने फाइनल सबमिट करना है, तो फाइनल सबमिट मैंने यहाँ पे कर दिया। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, फाइनल सबमिट जो है पूरी तरीके से फॉर्म जो है हमारा फाइनल सबमिट हो चुका है, ठीक है, पूरी तरीके से हमारा फाइनल सबमिट हो चुका है। और यहाँ पे दोस्तों पहले जो मेरा सेंटर था वो दिल्ली था, अभी मेरा सेंटर जो है वो ग्रेटर नोएडा हो चुका है। और यहाँ पे देख सकते हो, यू हैव मेड चेंजेस योर अप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे सारी चीजें जो है वो सक्सेसफुली हो चुकी है। कंफर्मेशन पेज यहाँ से आप डाउनलोड जो है वो कर पाओगे, ठीक है। कंफर्मेशन पेज जो है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर पाओगे, यहाँ पे लॉग इन एरर आ चुका है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, सारी चीजें आप लोगों को दिख रही होंगी और अच्छे से आप लोग यहाँ पे सारी चीजें करेंगे तो डेफिनेटली जो है कहीं ना कहीं आपको सेंटर जो है वो खाली दिखा हुआ मिल जाएगा। तो वहां से जाकर के आपको फाइनल सबमिट कर लेना है, या फिर अगर आप वही पुराना सेंटर रखना चाहते हैं तब भी आपको, अगर आपने यहाँ पर लॉग इन कर दिया ना तब भी आपको फाइनल सबमिट करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग ये काम कर लीजिएगा, वरना हो सकता है कि कल के डेट में हो सकता है सर्वर की वजह से या किसी कारण वगैरह ना हो पाए, तो ये चीजें आप लोगों को कर लेना, ठीक है। इस वीडियो को दोस्त मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिएगा ताकि उनको भी ये सारी चीजें पता चल सके, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।